कैसी चुनौती देख रहे हैं सैफई में, जसवंत नगर में, इटावा में? उधर ही आ जाइए, वोट की शुरुआत हो गई है। मनोज खड़ी रखो और आपकी बात, इतना वोट पड़ेगा, इतना वोट पड़ेगा भैया। अमित अखिलेश यादव ने जो गठबंधन नहीं उठा रहे हाथ, बड़ी जीत होगी। और यहाँ देख ही रहे हो करेल की लड़ाई भी इस बात दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि यहाँ पर यादव परिवार नहीं टिक पाएगा, वो तो पूरा दावा कर रहे हैं। उनकी जमानत जब्त हो गई और 10 मार्च को तो सामने आ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, 5 साल के अंदर कुछ किया भी नहीं है, तो जनता इनसे पूरी तरह से नाराज़ नीचे थोड़ी सी। और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक भी नहीं सकता, 2022 में मुख्यमंत्री उनको बनना ही है। तो जिस तरह बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं शिवपाल सिंह यादव हार जाए, क्या कहेंगे? मनोज नीचे। हाँ, अखिलेश यादव ने पूरी तरह से दिल से और हम लोगों ने दोनों ने क्या भारतीय जनता पार्टी के संजय कोई झूठ बोलते हैं आप तो नहीं झूठ बोलो। योगी जी को आपके प्रति बड़ी संवेदनाएं हैं, बार बार वो आपके लिए कई शब्द प्रयोग करते हैं और आप तो ये भी कह रहे थे कि उस दिन बस में जो रोड शो निकला था उसमें आपको सीट तक नहीं दी, ऐसा क्यों है? उनको क्यों आपके प्रति इतनी संवेदना? देखिए, जो बस नहीं था वो अखिलेश यादव का जो विजय रथ, और विजय रथ में हम नेताजी के बगल में बैठे, नेताजी ने कितने प्यार से मुझे बैठाला और हमेशा उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है और आज भी हम उनका आशीर्वाद लेके आए और उन्होंने मन से आशीर्वाद दिया है। जाओ बहुत तो ये बताइए, आप जीत रहे हैं रिकॉर्ड वोटों से या अखिलेश जी जीत रहे हैं, दोनों में से कितना अंतर रहा है? दोनों में कंपटीशन है जी, कौन बड़े वोटों से जीतेगा। हमने तो करहल में जा करके वोट जब मांगा था तब करहल के लोगों से, करहल की जनता से कहा था अब की बार करहल से अखिलेश को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत करा दी। अब है कंपटीशन जनता में, जसवंत नगर में और करहल में, अब जनता अब 10 तारीख का। आज मुझे खुशी है कि इतनी विशाल जनसभा, इतनी बड़ी भीड़, जो लाखों लोग आए हैं उम्मीद के साथ आए हैं, तो इनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा समाजवादी पार्टी करेगी। और मैं विश्वास रहता हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज्यादा है, नौजवान जो है, नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी मजबूत होगी।